आदरणीय गरीबदास साहिब जी, यही उपदेश दिया करते थे। एक समय वो अपने घोड़े पर सवार होकर और किसी कार्यवश जा रहे थे किसी दूसरे गांव में, और उस गांव से किसी खेतों से गुजर रहे थे तो गरीबदास जी का घोड़ा वहां जाकर के रास्ता छोड़कर और खेतों के अंदर से चल पड़ा दूसरी साइड से, यानी कुमार्ग पर। फसल टूटने लगी, गरीबदास जी रोकने की चेष्टा कर रहे थे, घोड़ा रुक नहीं रहा था। वहां पर रखवाले थे खेती के आसपास के, 8-10 इकट्ठे बैठे थे, वो लेकर लठ और चले और घोड़े का और उस गरीबदास जी का मारन लग गए। इसको ना इसका दिमाग खराब हो गया, घोड़ा के हो गया तो चौधरी पा किया, और यो भी नहीं देखता हमारी फसल तोड़ दी, मुश्किल से तो तैयार करी है, मेहनत की मजदूरी से। ये ऐसे बोलते हुए कि तेरा दिमाग खराब हो गया, तेरे सेट करते हैं हरामजादे, ये कर दिया वो कर दिया मारने के लिए कि तू हमारी फसल के बीचों बीच घोड़ा ले जा रहा है। अब जो ही निकट आए, उन्होंने ऐसे लठ उठाए, वो जाम हो गए नो के नो, इस एंगल पर बस, ना इधर हो रहे हैं ना आगे पीछे बढ़ रहे हैं, स्तब्ध हो गए चेतन नो के नो। तो इस बात से वो समझ गए कि यो आम व्यक्ति नहीं है। तो गरीबदास जी कहने लगे, भाई क्यों मारन आए थे मुझे तुम? वो कहने लगे, जी पहले हमने कुछ नॉर्मल करो तो बोलेंगे, हमारी तो सांस भी ना आती है। हमें बोला लेकर दिए नॉर्मल। अब फिर उनका कहा जो था उनको धमकाने और खुरकाने का, हाथ जोड़ के लठ घेर के खड़े हो गए, अगियो तो भाई कोई बला है, भाई क्यों मार रहे थे मुझे? कि इसलिए मार रहे थे जी, आप रास्ता छोड़ के घोड़े आपका इधर आ गया था, भाई पशु है ये, मेरे बस से बाहर था, आपको पता मैं कितना कोशिश कर रहा था, जानबूझ कर लाया हूँ तो भी तुम ऐसा करते अच्छे लगते, रा चलते आदमी को तो वैसे फिर भी नहीं करना चाहिए। अरे भले आदमी, तुम्हारा शिष्टाचार भी खत्म हो गया, मैं कोई जानबूझ कर नहीं ले जा रहा था, घोड़ा पशु है काबू से बाहर हो गया। तो वो कहने लगे, जी घोड़ा आपके काबू से बाहर नहीं हो सकता, आप तो कोई परम शक्ति हैं। परमात्मा बोले, नो पूछो मेरा घोड़ा क्यों इधर हुआ, पर नो पूछ लो तुम, अगजिया बताओ कि तुमने जिस खेत के बीचों बीच रास्ता जा रहा था उस एकड़ जमीन में इस फसल से पहले क्या बीज रखा था? वो बोले, जी तमाखू बो रखा था, तमाखू। तो मेरा घोड़ा उस तमाखू की बदबू से बिदक गया, और तुम मनुष्य होकर उसने नाकों में सूड़ो, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, तुमसे तो पशु अच्छा तो उससे इतनी नफरत करता है, और तुम ये तोप धरे बैठे उकटे, बंद करो इनको, ये वो तो सारे डर गए, जो कहोगे वो कर देंगे जी, कि आगे से तुम्हाखू नहीं बोगे, यही इसका मूल मंत्र है इस बुराई को खत्म करने का। अब जब तो नहा बरली, भाई बाबा जी है कोई तगड़ी शक्ति युक्त व्यक्ति है, ठीक है जी जैसे आप कहोगे वैसे ही कर लेंगे। और जब वो न सोची रख गया तो वो चले गए, वो तो चलेगा बर लोक का, आप अपने हुकटों के पास गए, वो सारे टूटे पाए, वो हुक्के कई कई टूक हो रहे उनके टुकड़े। तो उन्होंने गांव में आके बताई, गांव वाले बोले, भाई क्या हुआ, कैसे ऐसे कहानी बनी, एक महापुरुष थे उन्होंने ये कहा, आज के बाद हुक्का ना तम्बाकू प्रयोग ना करिए इस गांव में, ये नुकसान बहुत हो जाएगा। तो गांव वाले ने सोचा, भाई ये तन्यो कहें जाकर, उनकी बात सुनने के बाद भी उनका ना यकीन हुआ तो सब गांव के हुक्के टूट गए अपने आप। फिर भी किसी ने लाने की कोशिश की तो उनको हानि होने लगी। उसके बाद उस गांव में हुक्का बंद हो गया। यहाँ जींद के पास एक गांव है, मेरा नाम याद कोई नहीं, भूल गया उसका। उस गांव में कोई खेड़ी खेड़ी गांव है जींद के पास,
उसमें आज तक भी हुक्का प्रयोग नहीं करते। तो कहने का भाव यह पुण्यात्माओं, उन महापुरुषों ने हमें यह शिक्षा दी है और ये उनके ऊपर रहम किया, उस पाप से मुक्त कर गए, वो उनकी पीढ़ी भी बचा दी इस पाप से। बाकी मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, इतना पाप भी हल्का ही हुआ एक तम्बाकू पीने से ऐसा जलो, और आप पता नहीं कितने कितने हुक्के और सिगरेट पीते थे, बीड़ी पीते थे, तो कितने पाप इकट्ठे आपने कर रखे हैं जैसे। और दूसरा फिर ये बताया इसमें, इसको इतना हानिकारक क्यों बताया है अध्यात्म मार्ग में। जैसे परमात्मा को पाने के लिए हमारी सुषुम्न नाड़ी खुलनी चाहिए, ये इला है और ये पिंगला, राइट को इड़ा कहते हैं, लेफ्ट को पिंगला, यानी श्वास दो चलती है, और इन ये आगे जाकर के इनके बीच में एक तीसरा एक सुराख है, बिल्कुल सुई की नोक टिके ऐसा होता है वो तीसरा, उसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, सुषुम्न द्वार है वो। और जब हम हुक्का पीते हैं, सिगरेट तम्बाकू प्रयोग करते हैं, तो वो सबसे पहले उस रास्ते को बंद करता है जिससे हमें भगवान पाना है। तो सबसे बड़ा हानिकारक इस मनुष्य जीवन के लिए, मनुष्य मानव जीवन के लिए, इस तम्बाकू को इसलिए भी एक सबसे दुश्मन बताया है, सबसे भयंकर शत्रु बताया है इसका, तो आस पास भी कोई पी रहा हो उसके पास भी नहीं बैठना चाहिए ऐसा बताया। अब जैसे हम देखा करते थे हमारे पिताजी, ताऊ जी, चाचा जी सभी पिया करते, गांव के लोग, और वो क्या करा करते, एक लोहे का सरिया रखा करते उस ओके की, उस पाइप को साफ करने के लिए, उसमें न्यू मारा करते और उसमें ना जाने कितना मैल निकला करता तीसरे दिन, और फिर वो प्रकट हो क्या करते, जो चिलम धरते थे उस चिलम में, वो चिलम भी रुक जाती थी, उसमें भी उसे खुरचा करते थे, और वही धुआं फिर हमारे अंदर जाता श्वासों के माध्यम से, उक्का मुंह तो प्योर नाकों में निकालने ढूंढा ठावे, और वो फिर उस द्वार को बंद करता जो भगवान पाने का है, जिसको तो खोलना चाहिए था हमने। तो इसलिए तम्बाकू सबसे खतरनाक है। और ये जितने पंथ हैं, राधा स्वामी पंथ, वो शिवदयाल जी उक्का पीवे, राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक वो खुद हुक्का पीवे, ये सारे हुक्का बीड़ी पीवे, तो ये सतलोक चले जाएंगे। इन सबसे पहले वो द्वारा खत्म बंद कर लिया जिससे पार होना था। बात करें त्रिकुटी बजाने की, बोला हम तो सीधे त्रिकुटी बजाएंगे, जा लिए त्रिकुटी बजाएंगे।